Ninth, ABCD is a cyclic quadrilateral. AB and CD produced meet E at F. Again, ये cyclic quadrilateral है, ABCD E पे meet करता है. हम इसको ABCD मान लेते हैं. ABCD produced at E. अगर हम इसको नाम दे देते हैं, सपोज ये 60 है तो ये हो जाएगा आपका 120. ये 30 है और से फॉर एग्जाम्पल इसको 70 मान लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 110. ईबीसी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए डी. ई तो सेम है, यस हम अग्री करते हैं ई सेम है. ई बी सी इज सिमिलर टू ई ए डी. अगर ये 110 है तो ये 70 हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट. अगर ये 70 है ये 60 हो जाएगा. ई बी सी, ई बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल ई ए डी, विच इज करेक्ट अगर हम इसको नॉमेनक्लेचर को फॉलो करें. एंगल सी बी ई, सी बी एंड ई विच इज 60 एंड एंगल डी ए ई, 60 प्लस 70 इज 180, सो इसमें ओनली करेक्ट हो जाएगा 1. अगर हम इसके हिसाब से जाएं तो ये गलत हो जाता है, बिकॉज एंगल ई तो सेम है पर एंगल जो बी है वो एंगल ए के इक्वल नहीं है. क्यों? ये तो कोई भी डिफरेंट एंगल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है. मैं इसमें एंगल्स भी आपको चेंज करके दिखा देता हूँ, यू गेट अ बेसिक आइडिया. अगर हम एंगल्स भी चेंज करते हैं तो इससे कोई ये कभी प्रूव नहीं हो सकता. सो यहाँ पे अगर वो नॉमेनक्लेचर थोड़ा सा बेटर यूज कर लेता और इट वुड हैव यूज्ड अ नॉमेनक्लेचर इन द राइट सेंस, आई वुड हैव सेड इट इज करेक्ट. अगर हम इसको एंगल अब चेंज कर देते हैं, हम इसको मान लेते हैं आपका 50 है, ये 50 है तो ये 130 हो जाएगा. इसको मान लेते हैं 40, अगर ये 40 है तो ये 140 हो जाएगा. अगर ये 140 है, स्ट्रेट लाइन होने की वजह से ये 40 हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा. पर ई ए डी हैज टू बी सिमिलर टू एंगल ई बी सी. अगर ये 40 है और ये ई सी भी होता तब होता, बिकॉज सी यहाँ पे 40 है, ये यहाँ पे 40 रहेगा. तो यहाँ पे इसको ठीक बहुत पास से अगर आप देखोगे, इन्होंने नॉमेनक्लेचर नहीं मेंशन किया, सो नीदर वन नॉर.